हेलो फ्रेंड राधिका, फिर तो मैं सोडे लिखो प्रेंड नंबर से खेलने में कहने गाइस। आज हम लोग लिजिटली पता है क्या खेल कर आ रहे हैं, तुम सोच नहीं सकते। हम लोग खेल रहे थे हाइड एंड सीक इन मैकरीना। एंड मैं सर बता रहा हूँ, आप लोग सोचोगे यार ये तो कुछ मजे नहीं दार लग रहा, बट भाई सर बता रहा हूँ, अगर तुम इसे अपने 3 दोस्तों के साथ भी खेलोगे ना तो ये वर्ल्ड का बेस्ट गेम है। कॉल पर अगर तुम खेलोगे भाई, इतना मज़ा मुझे कभी कस्टम में नहीं आया जितना इसमें आया। इसमें हम लोग दो मतलब हाइडर बन रहे थे और एक हमेशा मतलब हमें ढूंढ रहा था। तो भाई लिजिटली बता रहा हूँ, उसको हमें पहले ढूंढना था और फिर हमें मारना था। हमारे पास 10 मैक थे, हम उसे मार नहीं सकते थे, बस पॉज कर सकते थे। और ये भी नहीं कि हम लोग दबा दर पॉज करें, वो भी नहीं हो रहा था। बट भाई ये गेम बहुत मस्त था। पहले ये आई थिंक तीसरा बैटल था जिसमें अभी तुम मुझे देख सकते हो। भाई मैं लिजिटली ना ऊपर ही चढ़ गया और लेजेंडरी एज में हंस रहा हूँ पागलों की तरह, और हम लोग बहुत हंस रहे थे भाई। लेजेंडरी एज कह रहा मैं तुझे मार दूंगा और मैं पागलों की तरह तुझे खुदा कराऊँ। एंड लिजिटली कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे लिजिटली कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। और मैं बोलो हंटर हाँ छुपे रहो ये हो वो हो, जबकि हंटर मेरे पास था भी नहीं, वो मैं तो बहुत दूर था। लेजेंड पागल हो गया था मुझे मारने के लिए। मैं करता अच्छा 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 मार लो लो मार लो मार लो बोलो मार लो, वो मार ही नहीं पा रहा है भाई, वो अपनी ज़िंदगी को कोस रहा है भाई साहब, और मैं यहाँ पे मजे से ऊपर। बट ये खुशियाँ ख़त्म होती हैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये खुशियाँ ख़त्म होने का मतलब रीज़न था मैं, क्योंकि मुझे बहुत ही पागलों जैसी बीमारी है गाइस। देखना अभी मैंने यहाँ पे डैमेज लिया और फिर भी मेरी हरकत सुधरा नहीं। मैंने गलती से हंटर का ना पता बता दिया कि वो कहाँ पे है। लेजेंडरी भाग के वहाँ जाने लगा। मैंने बोला यार शायद मुझे ब्रिज से लोग मार सकते हैं, और लेजेंडर्स ने ये सुन लिया। लेजेंडर सबसे पहले तो अपने एरिया में जाके देख रहा है। मैं हंटर को बता रहा हूँ कि हंटर वो यहाँ वहाँ है, और हंटर कह रहा है हाँ मैं बचा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे एरिया में ये हूँ वो हूँ, जबकि हंटर अब उसी के एरिया में छुप रखा था भाई साहब। और देन यहाँ पे होती है मेरी बेइज्जती। मैं कहता हूँ और मुझे डैमेज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। देन मुझे डैमेज होता है और मैं समझ जाता हूँ मैं पिद्दड़ बन जाऊँगा यहाँ। एंड अब यहाँ पे होती है मेरी हालत ख़राब, मेरी होती है बेइज्जती, बिकॉज मैं हो जाता हूँ समझ जो मतलब मर जाता हूँ। और वो ये रीज़न था, मैं कूद गया गलती से। मैं लिटरली भागते हुए जा रहा हूँ वापस ऊपर चढ़ने, बट मैंने ये वाला जो मारा ना ये बहुत जल्दी कर दिया था। अब मैं बच जाता अगर मैंने ये वाला वो जंप नहीं मारा होता गलत। एंड देन मेरे पास एक ही चारा कि निकल लो भैया तेज़ी से निकल लो, बट कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मैं मर गया भाई बुरी तरीके से। एंड एक चीज़ है, जब भी आप किसी को मार देते हो ना तो ऑफकोर्स हम तो सिर्फ अपने स्पॉन पॉइंट पे स्पॉन हो सकते हैं, तो इसलिए जो हंटर है जो हंट करेगा आपको उसको ना दूर जाना पड़ता है और 5 सेकंड बाद आना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को गायब किया एंड इसके पीछे छुप गया। मैं जानता था अगर मैं छुप के रहूँगा ना तो भाई जिंदा बच ही जाऊँगा किसी न किसी तरह। एंड यही होता है, हंटर बेचारा पकड़ा जाता है और उसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत होती है। लिटरली लेजेंडर से छोड़ ही नहीं रहा, उसके पीछे पड़ गया था भाई साहब बेचारा, हंटर रो रहा था। एंड यहाँ पे हंटर मर गया। एंड या ये था हंटर का एंड। देन यहाँ से आता भाई लेजेंडरीज फुल स्पीड में गियर 6 डाल के भैया मैक्स, भाई पीछे पड़ जाता है। फिर वो घूम कर जाता है क्योंकि मैं उसे ऐसे मतलब गुमराह कर रहा था कॉल पे, हाँ मैं यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ, तो वो अपने वहाँ से घूम कर आ रहा होता है। एंड वो मिली रश मारता है, सीधा यहाँ आता है और हंटर मेरे पीछे था, वो बेचारा दिख चुका था। एंड ये लेजेंडर्स फिर यहाँ पे मिलीनस मारने वाला होता है और मैं भाई 3000 IQ लगा के भाग लेता हूँ भाई, निकल लेता हूँ, आसपास भी नहीं आता। एंड देन लेजेंडर्स मिलीनस मारता है, बट मेरी शैडो की एबिलिटी ऑन थी, वो मुझे देख ही नहीं पाता बॉय। एंड देन मैं घूम के जाता हूँ, बट यहाँ पे होती है ट्रेजेडी। लेजेंडर्स ने गलती से ये वाला कैप्चर कंट्रोल पॉइंट कैप्चर कर लिया था, बट यार मैं गायब हो सकता था बेचारा कुछ करने से पहले ही भाई मैं निकल लिया भाई पुर्सी में। और फिर बचे थे भाई 10 सेकंड, एंड 10 सेकंड में मैंने गिनती 10 9 8, मुझे मार के दिखा। कैसे मार लेगा भाई, क्या पाल लेगा तो मेरा, मुझे मार के दिखा और हम जीत गए ये। हाँ इसका मोटिव यही है कि तुम्हें सामने वाले के सारे में डिस्ट्रॉय करने हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं कर पाया तो हम जीत गए। नेक्स्ट बैटल में भाई साहब खतरनाक। तो गाइस इस बैटल में भाई साहब बहुत मस्त गया, क्योंकि हंटर बना था भाई हंट करने वाला, और मैं लिटरली पता है क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर चढ़कर मैं इधर से उधर हो रहा था। मेरे को एक्चुअली यहाँ पर डैमेज पड़ा था, पता नहीं कैसे इतना डैमेज पड़ गया, बट पड़ गया। मैं लिटरली वो जहाँ भी आ रहा है मैं वहाँ चला जा रहा हूँ एंड उसको आने ही नहीं दे रहा भाई साहब। भाई ये बहुत फनी वाला था। देखो इसमें रैंडम मैप है, ऐसा नहीं कि आप मैप चूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी सारे मैप ऐसे भी होते हैं जिनमें हम लोग मरेंगे ही मरेंगे। जैसे कि अभी तक जो सारे में डिस्ट्रॉय करने वाला सीन है ना, वो मैं 2 बार कर चुका हूँ। मैं 2 बार ये गेम जीता हूँ सारे में डिस्ट्रॉय करके, हंटर बन मतलब जब मैं हंटर बना था तो मैंने सामने वाली टीम के सारे में डिस्ट्रॉय किए थे और 2 बार मैं जीत चुका हूँ। हंटर भी 1 बार ऐसा कर चुका है और लेजेंडर्स भी 1 बार, तो मैं अभी लीड में चल रहा हूँ। आई नो तो यार ये मैं भाई काफ़ी हंटर के लिए अनलकी रहा, बिकॉज हम लोग यहाँ छुप गए भाई पागलों की तरह, उसे दिख ही नहीं रहा। देन मैंने यहाँ पे एक बहुत ही स्टूपिड हरकत की एंड मैं पकड़ा गया।
या मैं पकड़ा गया। देन हंटर गया लेजेंडस को ढूंढने, क्योंकि लेजेंडस दिख ही नहीं रहा था मैप में। बट देन मैंने यार ट्राई किया यार कि मैं यहाँ छुपने की कोशिश करूँ, बट यार मैं छुप ही नहीं पा रहा था, मुझे कहीं मैं पत्थरों के पीछे चला जाऊँगा। एंड फिर यहाँ पे पता हम लोग क्या करते हैं, हंटर यहाँ आने वाला होता है, भाई मेरी हालत ख़राब थी, बट हंटर रुक जाता है क्योंकि वो लेजेंडस को देख लेता है। तो मैं ऐसे भाग के गया, हंटर यहाँ इतनी तेज़ी से आना कि मैं डर के मारे एबिलिटी यूज़ कर लिया, बट हंटर मुझे देख नहीं पाया कॉल पे। और फिर लेजेंडस को, फिर उसको लेजेंडस का भी पता चल गया। देन लेजेंडस बोलने लगा कि अरे आ लो या भाग गए, ये सब हो गया। तो हंटर ने क्या किया कि वो मेरे एरिया में चला गया, अपने एरिया में चला गया, उसे लगा कि मैं वहाँ पे हूँ, बट सब जानते हैं मैं तो अपने एरिया में हूँ। और मैं लेजेंडस को बोला था हाय लेजेंडस भाई, वो तो बेवकूफ़ बन गया। देन हंटर अपना मैग डिस्ट्रॉय करता है और पता है क्या लिखा है, लैंसर विथ जेवलिन लैग। भाई वो ना तो सबसे फनीस्ट कॉम्बिनेशन वो लेकर आता है, और अभी तुम देखना क्या होगा भाई, ऐसा मजा ना तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्या ही खतरनाक। उसने ना मैग डिस्ट्रॉय किया, अपना न्यू मैग लेकर आया। मुझे नहीं पता था कि उसने मैग डिस्ट्रॉय किया, बट अचानक से पता है क्या चीज़ हुई, वो ऊपर आ गया और उसने बताया लेजेंडस को मारना शुरू किया, बट लेजेंडस बच गया। फिर लेजेंडस बोला कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, और यहाँ पे लेजेंडस ने गलती से हंटर को डैमेज दे दिया था। तो लेजेंडस कह रहा मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बट इन द एंड लेजेंडस को मरना ही था। फिर हंटर ऊपर चढ़ा और मैं देखो फिर क्या करता भाई, इतना मज़ा आया ना मुझे ये करने के बाद, मैं इनविंसिबल बनता हूँ और उसके सामने मैं डांस करता हूँ और कॉल पे कहता हूँ मुझे मार के दिखा, और लेजेंडस ही वही करता है। भाई हंटर का चेहरा देखने लायक था, वो कह रहे मैं हम लोग चिल्ला रहे हमें मार के दिखा। और मैंने इस वीडियो को स्पीड अप कर रखा, इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो बस 3 सेकंड मार रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत सेकंड तक रहा था, एक्चुअली 11 सेकंड 10 सेकंड। एंड फिर मैं ऐसे कहता हूँ मार के दिखा, और जैसे उसकी गन्नी लोड होती है एबिलिटी ऑन, एंड देन मैं भागना शुरू करता हूँ ऐसे ही घूमने के लिए। एंड वो भाई उब जाता है, उसे लिजिटली गुस्सा आने लगता है, वो हंसता भी है बट उसे गुस्सा भी आ रहा था कि वो जीत नहीं सकता। फिर मैं कहता हूँ हंटर जरा यहाँ पे मार के दिखाना मैं जहाँ पे हूँ अभी। एंड फिर वो क्या करता है, वो उस साइड जंप मारता है, उसे लगता है कि वहाँ जंप मार के ना हमें मार सकता था, वो उस साइड जंप मारता है पहले, यहाँ पे देखना वो जंप मारेगा। एंड मैं एबिलिटी ऑन, जुक द एबिलिटी ऑन भाई, वो लगता है मुझे मार देगा, बट वो यहाँ मैक डिस्ट्रॉय करता है, मुझे नहीं पता था वो क्या मैक लेकर आया। तो मैं भाग लिया भाई, मैं तेजी नाली भाग लिया और चांस भी नहीं दिया, बट मैं फिर घूम कर गया चेक करने के लिए कि भाई क्या है, कैसे है, क्या मैं क्लिक कराया, मुझे कुछ दिखा ही नहीं यार ऐसी की तैसी। फिर मैं घूम कर गया एंड वो लेके आया होता है क्या, अपना जैपर, और फिर मुझे डैमेज देता है बट मुझे डैमेज नहीं होता। आई डोंट नो ये क्या हुआ, आई थिंक कोई ग्लिच था, बट ये बैटल यहीं पर ख़त्म होता है। बॉय साहब हम जीत गए गाइस। तो अब भाई यहाँ पर मैं बनता हूँ हंटर, ओके। ये था गाइस मेरा सेकंड हंटर बनने का, जिसमें मैं सेकंड बार जीता था, एंड ये एक्चुअली बोलूँगा ये टफ था थोड़ा सा भाई, ये लोग बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिए थे। एंड मैंने मिली डैश मारी, एंड पहला जो मेरे को बंदा दिखा वो लिजिटली और कोई नहीं, हंटी मंटी था हमारा, हंटी मंटी। ये मिली डैश मुझे नहीं मारना चाहिए था, बट देन मुझे और भी कुछ लोग दिखते हैं। मैंने फिर उसे बोला कि भाई डैमेज का बात का, फिर वो यहाँ पे पकड़ा जाता है, उसको लगा वो मुझे आउटस्मार्ट करने वाला है, और मैंने उसे आउटस्मार्ट कर दिया। बट एंड देन यहाँ पे लेजेंडस ने छुप रखा होता है, मुझे लिजिटली पता ही नहीं कहाँ है वो, बट इन द एंड वो भी बेचारा पिटेगा, और वो पिट भी जाता है, उसको लगता है बच जाएगा मेरे से, बट मेरे डिस्क लॉन्चर से वो बच नहीं पाया। एंड देन वो यहाँ छुपने की कोशिश करता है बट मर जाता है। एंड देन अब मेरा टारगेट था हंटर को पकड़ना, तो मैं हंटर की चड्डी पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया, एंड वो अपने स्पॉन पॉइंट में था, बट वो जेफर लेकर आए थे। इस टाइम पर गाइस लेजेंडस ना भाग गया, बट हंटर को लगा ना, हंटर कॉल पे चिल्ला रहा है मैं भाग गया, बट वो भागा नहीं था, उसे लगा मेरे को पता नहीं चलेगा, बट मेरे को पता चल गया। एंड हंटर डेड। फिर मैं लेजेंडस के ले गया कि लेजेंडस कहाँ भाग गया, एंड लेजेंडस और कहीं नहीं मेरे एरिया में भाग गया, मेरे एरिया में भी नहीं भागा था, वो घूम कर आ गया था। एक्चुअली ये हंटर है, वो लेजेंडस था, मैं गलत कमेंट्री कर रहा हूँ यार। फिर मैं ऐसे घूम कर जाता हूँ एंड लेजेंडस को धप्पा करने के लिए, लेजेंडस को धप्पा करता हूँ, टेंगूज का मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ। भाई ये लोग मेरे सामने कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। एंड देन मैं यहाँ दूर क्या बोलते हैं हंटर को पकड़ने के लिए आया था, बिकॉज मैं जानता था वो स्पॉन हो गया है। हाँ, एंड कहाँ है हंटर, ये रहा, पकड़ लिया उसको, गिर रहे, और वो पकड़ा गया यहाँ पे। एंड वो भाई साहब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, बट देन पता नहीं कहाँ से एक शैडो मैंने देख लिया, जो शैडो मेरे को दिमाग ख़राब कर रहा था। तो मैंने सोचा इस शैडो को मारना पड़ेगा, एंड देन इस शैडो को मैंने पकड़ा, गुदी तोड़ने की कोशिश की, बट ये भाग रहा था बहुत तेज़ी से, भाई भगोड़ा बन गया था ये प्लेयर। भाई साहब बच इतना अच्छा बचना कब से शुरू कर दिया था हंटर ने। एंड मैंने यहाँ पे एक मिनी डैश मारा, जल्दी से शू कर गया, एंड देन हंटर डेड, हंटर वापस मर गया। अब बचता है भाई लेजेंडरी एस, एंड मुझे थोड़ा भाई आइडिया था कि वो कहाँ होगा, तो इसलिए मैं जा रहा था, बट ये हंटर ने मुझे रोक लिया, और इस टाइम लेजेंडरी एस भाई भाग लिया।
एंड हंटर को तो मरना था ही, तो वो हंटर अपनी मौत को पूरा का पूरा डिक्लेयर कर लिया एंड डिक्लेयर। और फिर मैंने बोला था ना मुझे लेजेंडरी इसका थोड़ा आइडिया था वो कहाँ है, वो मुझे मिल जाता है। अब मैं यहाँ से घूम के जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे नहीं दिखता है, बट फिर अचानक से कोई और भी वहाँ स्पॉन होता है और वो और कोई नहीं हंटर था। पता नहीं हंटर के पास कितने मैक थे यार, मुझे पता ही नहीं चलता। भाई साहब मैं यहाँ पीछे जाता हूँ, वो अपना एबिलिटी यूज़ करता है, मेरी मैक की पावर ख़त्म कर देता है, बट यार बेचारा बचने के चांसेस ही नहीं थे बेचारे के। हाँ, यहाँ पे हंटर अपनी मौत को स्वीकार करता है एंड फिर हम लोग जाते हैं भाई, और कोई नहीं हमारे लेजेंड एस के पास। वो तो भैया बंदा कहाँ ही छुप रखा था कोने में, पता ही नहीं चल रहा था, बट इन द एंड उसको भी मरना ही था। वो मेरे एरिया में छुप रखा था लिजिटली, और कोई नहीं मिला, मेरा एरिया मिला उसे सच में। और वो निकला भी कब, जब मैं निकल गया। भाई लेजेंडरी एस की डेथ वन ऑफ द सबसे अजीब डेथ। भाई साहब बेचारा मौत के टाइम भी भाई रो नहीं पाया, उनको से रोने। और पता नहीं इसको भागना चाहिए था इस टाइम, बट ये पता नहीं ऊपर कहाँ चढ़ने लगा। ये एक्चुअली काफ़ी नू वाली चीज़ थी। अब यहाँ पे लेजेंड स्पॉन होगा एंड वो अपनी अंतिम सांसें लेने वाला था, बट वो बताया गया वो स्पॉन ही नहीं हो रहा था। और उसको लगा मैं नहीं जानता, तो मैं छुप गया, इंतजार किया। जैसे स्पॉन हुआ मैंने गिनती गिनी 5 तक एंड ओके मैंने चीटिंग की और मैं भक्क देनी चट देनी मार दिल्ली पहुंच गया उसके तमाचा। हंटर मर लेजेंडस भी मर गया, मैं जीत गया गॉड लाइक के साथ चा चा। ओके ये अजीब गाने हैं। तो यार ये था भाई हमारा बैटल एंड भाई ये बहुत मज़ा आया एंड हम लोग यार इसे लाइव स्ट्रीम में भी खेलने की कोशिश करेंगे। आई एम सी नशो तरह, गुड बाई।